मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल आज एक दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बांधवगढ़ में जिस तरह से अचानक ही हाथियों की मौत हुई है, यह एक चिंता की बात है। इसके अलावा यह भी देखने की जरूरत है कि आखिरकार अगर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर जहर खुरानी हुई है तो उसकी वजह क्या है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अभी इस विषय की ज्यादा जानकारी नहीं है। डिप्टी सीएम अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे थे। करीब 2 घंटे रुकने के बाद राजेंद्र शुक्ला जबलपुर से रीवा के लिए सड़क मार्ग से रवाना हो गए। जबलपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवनी, मंदसौर और नीमच में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। मेडिकल कॉलेज के शुरू होने से निश्चित रूप से प्रदेश में जो डॉक्टर की जो कमी है वह कम होगी। उन्होंने यह भी माना कि वर्तमान में डॉक्टरों की कमी होने के कारण मरीजों का बेहतर इलाज नहीं हो पा रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि अभी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है, लेकिन प्रथम वर्ष की सभी सीट पूरी तरह से भर चुकी है। अगर मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीट विजयपुर और बुधनी पर उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि हम दोनों ही सीट पर प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि अब प्रदेश की जनता भी यह समझ चुकी है कि अगर विकास कोई कर सकता है तो वह भाजपा ही कर सकता है। मैं तो पूरा वन विभाग का हमला लगा हुआ है और उसके कारणों का पता करके और जो भी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अभी इसकी कारणों पे जाना पड़ेगा। क्या परिस्थितियाँ थी, क्या हो गया है, अभी हमको जानकारी नहीं है। अभी आपने ध्यान में बात लाई है, अखबारों में मैंने भी पढ़ा है और मैं वहाँ के डायरेक्टर से बात करके पता करूँगा। सर, बड़ी घटना है क्योंकि बफर जोन में ही जो वन्य प्राणियों का निश्चित रूप से जहर खुरानी की बात सामने आ रही है, उसमें जहर खुरानी की बात सामने आ रही है। बात करते हैं डायरेक्टर से तो मालूम पड़ेगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT, फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हेल्पलाइन नंबर 90 74 51 46 14।